याद है मैंने वो सपना देखा था। हाँ मैंने उसमें देखा था कि हम दोनों ही लिम्स में फेल हो गए थे। मुझे लगा इट वाज अ हैप्पी ड्रीम। हाँ इट वाज। तभी एक बात मुझे भी तब से बहुत अपसेट कर रही है। मैं समझी नहीं। देखा बचपन में जब टॉम एंड जेरी आता था तुम किसकी साइड लेते? जेरी चलिया मी टू आई थिंक एवरीबडी डिड। तुमको पता है जेरी क्यों हर बार जीतता था और टॉम हर बार हारता था? क्योंकि टॉम ना ये लड़ाई सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए लड़ रहा था, पर जेरी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। जेरी के लिए देयर वाज नो प्लान बी। तुमने अपने बॉस को मना कर दिया है? But then I realized कि उस दिन सपने में मैं खुश इसलिए नहीं था because I still had a job. मैं खुश था because I still had you. अरे कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे हर एस्पिरेंट को ये पता है कि जो राजेंद्र नगर के जो रिलेशनशिप्स हैं जो भी हैं ये यहीं छूट जाते हैं और हम साथ रह सकते हैं कि बोथ फील नहीं। डू यू रियली थिंक आई एम इन योर प्लान बी? मुझे बस ये पता है कि 23 दिन बाद वो मेरे लिए एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जाना भी इम्पॉसिबल होगा अगर यू नो नोइंग कि अगर मैं एग्जाम पास करूं तो दैट वुड मीन इवेंचुअली लूजिंग यू। सो यू आर राइट। इस डिसीजन पे 1% डाउट भी मुझको बहुत भारी पड़ सकता है।
तुम्हें लगता है तुम ठीक कर रहे हो? नहीं, नहीं पता ये ठीक है या ये गलत है। उसको बस लगता है ये जरूरी है।